हो गया सबसे बड़ा ऐलान, तारीख भी सामने आ गई, 7 दिन के अंदर भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा पीओके। सेना के पूर्व जनरल ने सामने रख दिया मोदी का सीक्रेट प्लान, उधर पाकिस्तान के अंदर होने लगा त्राहिमाम। भारत के ब्लैक कमांडो तैयार, दो तरफ से हो गया पाकिस्तान पर हमला, पीओके में लहराएगा भारत का तिरंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की जनता से जो वादा किया था अब वो पूरा होने वाला है। इधर पीओके में जनसैलाब सड़क पर उतरा और उधर तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्री और विधायक अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, पीओके की जनता अपना सामान पैक करके बैठी है। कश्मीर से लेकर पीओके बॉर्डर तक भारत की सेना कमर कस के खड़ी है, ब्लैक कमांडो नजर बनाए हैं कि मौका मिलते ही शिकार किया जाएगा। पीओके के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भारत की सेना पहुंचे और वो भारत में शामिल हो जाए। पाकिस्तान के लोग अपने आप को मोदी का गुलाम बता रहे हैं, लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश भाग रहे हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ और भारत की सेना कैसे पीओके में कब्जा करेगी 7 दिन के अंदर, इसका खुलासा भारतीय सेना के पूर्व जनरल ने किया है। मोदी के सीक्रेट प्लान को सबके सामने लाकर रख दिया है और इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं मोदी का वो सीक्रेट प्लान जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भारत की सेना में जनरल रह चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे काम होता है और ये भी पता है कि भारत की सेना किन हालातों में अपना ऑपरेशन शुरू करती है। जनरल वीके सिंह राजस्थान गए थे मोदी सरकार का प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बारे में सुनकर पत्रकारों को चक्कर आ गया और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जनरल वीके सिंह ने कहा कि बस थोड़ा सा इंतजार करिए, पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। जनरल वीके सिंह ने इशारा किया है किसी हफ्ते के अंदर पीओके में भारत का तिरंगा लहराएगा। सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, लेकिन सच ये है कि पीओके में कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त पीओके के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें भारत में शामिल किया जाए। उधर अफगानिस्तान से लगे इलाके में पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर करीब 20 किलोमीटर तक तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सेना तालिबानियों से मुकाबला कर रही है और पीछे हटती जा रही है। इधर कश्मीर में भारतीय सेना के अंदर भी हलचल बढ़ गई है। सूत्रों का दावा है कि जैसे ही तालिबान पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचेगा, इधर बिना युद्ध लड़े ही भारत अपना तिरंगा पीओके में गाड़ देगा, क्योंकि पीओके की जनता पहले से भारत के स्वागत में खड़ी है, इसलिए भारत की सेना को लड़ाई भी लड़नी नहीं पड़ेगी। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार बनी है, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते। ये वही तालिबानी आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत से लड़वाना चाहता था, लेकिन तालिबान भारत से दोस्ती और पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मान बैठा है और अब पाकिस्तान में कब्जा करना चाहता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीएम मोदी के सीक्रेट प्लान का हिस्सा है, एनएसए अजीत डोभाल की प्लानिंग है, जिसके तहत उधर तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा करेगा और इधर मौका देखते ही भारत अपना पीओके वापस ले लेगा। मोदी विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी की प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर ये बात सच भी है तो क्या गलत है? आखिर भारत में पीओके शामिल तो हो जाएगा। मोदी जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब 2024 में पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले ही पीओके को भारत में शामिल करने का प्लान तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमारी सेना पीओके में जाने के लिए तैयार है। अब वही वक्त आ गया है जब मोदी का 56 इंच का सीना फिर से पूरी दुनिया देखेगी और पीओके के भारत में शामिल होते ही हर हिंदुस्तानी भारत माता की जय बोलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत के नक्शे में शामिल हो जाए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।